जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube के हाल ही में आए एक लेटेस्ट फीचर के बारे में जिसका नाम है YouTube हैंडल। दोस्तों हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे YouTube हैंडल को लेकर, और इसी से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रॉपरली आपको बताया था कि ये YouTube हैंडल बेसिकली है क्या और इस फीचर का यूज़ क्या है। लेकिन दोस्तों आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका YouTube चैनल है, आपको भी ईमेल आया है YouTube हैंडल बनाने के लिए, तो फिर आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने चैनल के लिए, कैसे आप एक नया YouTube हैंडल अपने चैनल के लिए बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों YouTube हैंडल कैसे बनाते हैं, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा कि अब जो हम हैंडल बनाने वाले हैं YouTube का, ये जो फीचर है, ये जो ऑप्शन है, ये सभी क्रिएटर्स के लिए अभी नहीं आया है। आप मेरे डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको दो मेल दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों मेल YouTube के हैं जो कि YouTube क्रिएटर के लिए आए हैं, और इन दोनों मेल में आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा। एक में लिखा है चूज ए हैंडल और दूसरे में लिखा है लर्न मोर। दोस्तों जिसमें चूज ए हैंडल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उस चैनल के लिए हम हैंडल को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो ईमेल आईडी में आपको लर्न मोर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके अंदर आप अभी YouTube हैंडल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको समझना होगा। आपको अपने ईमेल के अंदर ये चेक करना होगा कि जो ईमेल आपको आया है उसमें चूज ए हैंडल लिखा है या फिर लर्न मोर लिखा है। अगर चूज ए हैंडल लिखा है तो आप बना पाएंगे, लेकिन लर्न मोर लिखा है तो आपको फिर वेट करना होगा जब तक कि YouTube आपके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता। तो दोस्तों जिनके पास ये मेल आया है जिसमें लिखा है चूज ए हैंडल, वो बना सकते हैं। और चलिए हम चलते हैं डिस्प्ले पर और जानते हैं कि कैसे आप इसको क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो ईमेल आपको दिखाई दे रहा है मेरे डिस्प्ले पर, ये आपको रिसीव हुआ होगा जिसमें एक ऑप्शन है चूज ए हैंडल जो कि ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके का आपको भी रिसीव हुआ होगा। इस पर सिंपल से आपको क्लिक कर लेना है और ये रिडायरेक्ट करेगा आपके YouTube चैनल पर जहाँ पर आपको अपना जो YouTube हैंडल है वो बनाना है। दोस्तों मेरा जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने अपना एक YouTube हैंडल बनाया हुआ है, योर हैंडल इज रिजर्व्ड, यानी कि ये जो YouTube हैंडल मैंने चूज किया है दीपक टेक टाइम्स, ये मेरे लिए अब रिजर्व हो चुका है, कोई और इसको यूज नहीं कर पाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने नहीं बनाया होगा और आपके पास ये ऑप्शन आया है, ईमेल आया है, तो यहाँ पर आपको क्रिएट हैंडल का ऑप्शन मिलेगा, ना कि चेंज हैंडल का। चेंज हैंडल का मुझे जब मिल रहा है जब मैंने अपना बना लिया है, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया होगा तो इस चेंज हैंडल की जगह क्रिएट हैंडल का ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने बना लिया है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप चेंज भी कर पाएंगे। मान के चलिए कि आपको क्रिएट हैंडल का ऑप्शन मिला है और मैं इस पर सिंपल से क्लिक करता हूँ। अब कोई भी नाम जो आप चूज करना चाहें अपने YouTube चैनल के लिए, जिस नाम को सर्च करके लोग आपके YouTube चैनल तक पहुंचे, उस नाम को आपको यहां पर टाइप करना होगा। जैसे मैं इसको एक बार चेंज करके आपको दिखा देता हूं कि मान के चलिए मेरा जो दूसरा YouTube चैनल है जिस पर मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूं, उसका नाम है दीपक सपोर्ट टाइम्स। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस पर टाइप कर देता हूं दीपक सपोर्ट टाइम्स। अब हम देखेंगे कि ये अवेलेबल है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब क्या होगा कि अगर आपके लिए ये अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान के चलिए मैं इसको कंफर्म करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये दीपक सपोर्ट टाइम के नाम से, ये जो यूट्यूब हैंडल है ये मेरा अब लग चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इसको चेंज कर पाएंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर पाएंगे, अगर आप इसको कह सकते हैं एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो आप ऐसे रख पाएंगे, और नया बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे। उसका पूरा प्रोसेस आप देख चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो YouTube जो मेरा पहले था दीपक टेक टाइम्स और अब है दीपक सपोर्ट टाइम्स। कुछ इस तरीके से आप आसानी से अपना एक नया YouTube हैंडल भी बना सकते हैं और एक नया कह सकते हैं चैनल नेम भी यहाँ पर YouTube के अंदर आप रख सकते हैं, जिसको सर्च करके कोई भी लोग आपके चैनल तक पहुँच सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये YouTube हैंडल बनाया जाता है। दोस्तों और ऐसे वीडियोज़ को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।